हर बार की तरह इस बार भी दर्शन करवाऊंगा आपको एक ऐसे महादेव के जिसका एक भी वीडियो YouTube और Facebook पर नहीं है। और हर बार की तरह लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे और ना ही सनातन धर्म के प्रचार के लिए शेयर करेंगे। सूरत के पास कामरेज से आगे भैरव गांव में कोटी तीर्थ के पास में कोटेश्वर महादेव की पूर्व दिशा में है बहुमोचन महादेव का मंदिर, जो तापी पुराण में वर्णन है, जिसका बहुमोचन तीर्थ प्रभाव के नाम से और अध्याय नंबर 58, क्योंकि जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो खुद महादेव ने कार्तिक भगवान को कही है। स्कंद पुराण के तापी पुराण तापी महात्म में भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं। त्रिनिबिंदु नाम के एक ऋषि थे जो मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इंद्रदेव को लगा कहीं तपस्या करके वो उनका इंद्रलोक ना ले लें, तो भयभीत होकर उनका तप भंग करने के लिए उन्होंने नीलोत्मा को भेजा मुनि के पास, और मुनि नीलोत्मा के मोह में फंस गए, जैसे हम लोग फंसे हुए हैं मोह माया में। नीलोत्मा तुरंत बिंदु ऋषि को कई तरह के खाने पीने की चीज़ें लाकर देती, उनकी सेवा करती। उनकी सेवा के मोह में फंसकर ऋषि दिन रात की सुख बुद्धि गवा बैठे। एक दिन शाम होते देख ऋषि ने नीलोत्मा से कहा कि मैं संध्या पूजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मण संध्या पूजा ना करे वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो नीलोत्मा ने हंसते हुए कहा कि ऐसी तो कितनी संध्याएँ बीत गई। तब ऋषि को एहसास हुआ कि ये कोई चाल थी, तो उन्होंने नीलोत्मा को महिषी यानी भैंस बनने का श्राप दे दिया। तब नीलोत्मा ने कहा कि मैं तो सिर्फ देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो तीन बिंदु ऋषि को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि घूमते घूमते चंद्रशेखर भवमोचन महादेव का दर्शन करोगी, तभी इस भव से पाप का मोचन होगा। तो एक दिन जंगली भैंसों के एरिया में घास खाने गई नीलोत्मा, तो जंगली महिषी भैंसों ने उसे भगाया और वह यहाँ भवमोचन के पास तापी में आकर डूब गई और मुनि के श्राप से मुक्त होकर दिव्य शरीर पाया और स्वर्ग की तरफ वापस लौट गई। वो दिन अश्विन मास की अमावस्या थी। तब से अश्विन मास की अमावस्या को जो भी यहाँ तापी स्नान करके भवमोचन महादेव के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मों के पाप से वो मुक्त हो जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और उसका जन्म सफल हो जाता है। एक बार फिर से उनको धन्यवाद जिनको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने में डर लगता है और मंदिरों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि कहीं सब्सक्राइब और लाइक कर लिया तो फिर से एक मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे।